आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं 5 मिनट 25 खबरों पर। कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी। कंटेनमेंट जोन में दिसंबर तक जारी रहेगी सख्ती। भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देश कोरोना संक्रमण से हुए प्रभावित। अब तक 5,91,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में। बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुनाव में एनडीए की जीत। स्पीकर चुने गए बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा। एनडीए को मिली 126 वोट, विरोध में सिर्फ 114 विधायक। आरजेडी प्रमुख लालू यादव का कथित ऑडियो हुआ वायरल। स्पीकर चुनाव को प्रभावित करने को लेकर एनडीए विधायक को दिया मंत्री पद का लालच। आरजेडी ने किया ऑडियो का खंडन। वायरल ऑडियो पर बोले एनडीए विधायक ललन पासवान। कहा लालू यादव ने किया था कॉल, पार्टी से बगावत के बदले दिया मंत्री बनने का लालच। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन। 1 महीने पहले कोरोना की चपेट में आने से खराब चल रही थी तबीयत। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला। पार्टी पदाधिकारियों की पत्नियों को नहीं मिलेगा टिकट। संगठन के महामंत्री सुनील बंसल ने दिए निर्देश, बनाई जाएगी नई टीम। तेजी से तमिलनाडु और पांडिचेरी के तट की ओर बढ़ रहा बंगाल की खाड़ी से उठा निवार तूफान। तट से टकराते वक्त 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है हवा तूफान की रफ्तार। मौसम विभाग ने मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की दी सलाह। 26 नवंबर को हो सकती है भारी बारिश। औरैया में गरीबों को अपना हक मांगने पर मिली जेल भेजने की धमकी। प्रधानमंत्री आवास की शिकायत करने पर भड़का ग्राम प्रधान। पीड़ित ने वीडियो वायरल कर लगाई न्याय की गुहार। फरुखाबाद में अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ चिन्हांकन। 13 मीटर सड़क चौड़ीकरण को लेकर लगाए गए निशान। सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद न्यायपालिका अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ सक्रिय। कौशाम्बी में जिला जेल से छूटे 13 कैदी हुए फरार। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मार्च अप्रैल में जिला कारागार से पैरोल पर छोड़े गए थे कैदी। 13 कैदियों ने अभी तक नहीं किया समर्पण। शाहजहांपुर के बीजेपी के दबंग विधायक का महिला के परिजनों को जेल भिजवाने का ऑडियो हुआ वायरल। न्याय के लिए विधायक के खिलाफ धरने पर बैठी विधायक की बहू। प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा। एसओजी टीम की कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 3 सिपाही हुए घायल। उत्तर प्रदेश में अब धर्म छिपाकर शादी करना होगा जुर्म। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश के प्रस्ताव को दे दी हरी झंडी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव का कथित ऑडियो हुआ वायरल। स्पीकर चुनाव को प्रभावित करने को लेकर एनडीए विधायक को दिया मंत्री पद का लालच। आरजेडी ने किया ऑडियो का खंडन। किच्छा के ग्राम वीरू नगला में स्कूल के सौंदीकरण में मिल रहा सभी का सहयोग। ग्राम प्रधान रंजीत कौर और प्रधान पति जोगिंदर सिंह ने जताया सभी का आभार। महोबा में खनन व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी गोलीकांड का मामला। तत्कालीन थाना प्रभारी देवेंद्र शुक्ला गिरफ्तार। आरोपी थाना प्रभारी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार कर रही थी प्रयास। कन्नौज में लव जिहाद कानून पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कोई ऐसा कानून नहीं लाए जिससे किसानों को मिले लाभ। कानपुर देहात में सांसद प्रतिनिधि बन बीजेपी नेता ने जिला मत्स्य अधिकारी के साथ की अभद्रता। जिला मत्स्य अधिकारी डॉक्टर रणजीत सिंह ने दर्ज कराया मामला। चंदौली में चकिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक साथ 9 गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। गौ तस्करी में थे संलिप्त, काफी दिनों से चल रहे थे फरार। जालौर में ट्रैक्टर मिस्त्री की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी दोनों को किया गिरफ्तार। पीएम ग्रामीण आवास योजना में घोटाले का मामला। ग्रामीणों ने डीएम से की शिकायत। लाभार्थियों के नाम पर निकाले गए पैसे। कन्नौज में खेत में आलू की फसल को जोतने को लेकर दो पक्षों में जमकर हुआ बवाल। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किच्छा के ग्राम वीरू नगला में स्कूल के सौंदीकरण में मिल रहा सभी का सहयोग। ग्राम प्रधान रंजीत कौर और प्रधान पति जोगिंदर सिंह ने जताया सभी का आभार। 5 मिनट 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।